हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शैलेश कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में MBOPCM में। मैं शैलेश कुमार आपके सामने आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें स्टडी करना है आज क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट। समझ जाइए कि क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने करंट के बारे में चर्चा किया था, जो I बराबर डेल्टा U by delta T के बारे में चर्चा किए थे और I बराबर D Q by DT का चर्चा किए थे। ये जो होता है करंट का फॉर्मूला एवरेज के लिए होता है, I एवरेज के लिए होता है, एवरेज के लिए होता है, और ये जो होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस के लिए होता है किसी पार्टिकुलर टाइम पे फ्लोइंग ऑफ चार्ज के लिए ये फॉर्मूला होता है, और इसमें करंट फाइंड करते हैं किसी पार्टिकुलर टाइम पे। ये एवरेज के लिए होता है, एवरेज टाइम पर, एवरेज समय के लिए, मीन एवरेज करंट को इसे फाइंड करते हैं। आज हम लोग चर्चा इससे आगे करेंगे, जो देखेंगे जिसका खास टॉपिक जो है आज का ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे है जो हम लोग समझेंगे, किसी भी कंडक्टर वायर में जब करंट फ्लोइंग होता है तो एक्चुअली में जो करंट फ्लोइंग नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का रनिंग होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का रनिंग होता है, इसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वी वोल्ट अगर लगाया जाता है इसमें, तो वी वोल्ट के कारण जो है बस इंटेंसिटी बनता है, जिसके ना इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग होते हैं, तो उसी के जो वेलोसिटी होता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जो अच्छी तरह से हम लोग बोर्ड पर समझेंगे यहाँ पास, कि किसी भी कंडक्टर वायर है, ये कोई कंडक्टर वायर अगर मान लिया जाए, अगर इस कंडक्टर वायर को वी फील्ड से जोड़ दिया जाए। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए कि कंडक्टर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मीन्स चार्ज ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं किसी भी पार्टिकल्स के अंदर। ये कंडक्टर वायर है, इसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है। जब इसको हम वी वोल्ट से जोड़ देते हैं, इफ वी कनेक्टेड वी वोल्ट बैटरी वोल्ट बैटरी, तो इधर का जो एरिया है पॉजिटिव और इधर का जो एरिया है, इधर का एरिया नेगेटिव और इधर का एरिया पॉजिटिव हो जाए वोल्ट लगा देने के बाद, वोल्ट लगा देने के बाद इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग करने लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पास जगह देखा जाए वी वोल्ट को बैटरी लगाने से यहाँ पास इंटेंसिटी क्रिएट होगा। अगर देखा जाए तो बाहर का जो इंटेंसिटी आता है एक्सटर्नल, नेट एवरेज इंटेंसिटी एक्सटर्नल 0 होगा, और अंदर का देखा जाए इंटरनल इंटेंसिटी इनसाइड नॉट इक्वल टू 0। इनसाइड जो इंटेंसिटी आएगा नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसके मतलब इसके अंदर कुछ इंटेंसिटी है। जब इंटेंसिटी है तो इसके अंदर फोर्स लाएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी फोर्स लाएगा। हम लोग जानते हैं किसी भी इंटेंसिटी वाले क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें फोर्स लगता है, और जो फोर्स लगता है F बराबर QE फोर्स लगता है, F बराबर QE फोर्स लगता है। तो यहाँ पास हम लोग देखेंगे
F इक्वल टू क्यों बजेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स और इंटेंसिटी E, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। इससे हम लोग देखेंगे अगर करंट इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर देखा गया कि विवोल्ट बैटरी से करंट कर दिए तो इसके अंदर इंटेंसिटी हो आया, इंटेंसिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, फ्लो करना है। इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखा जाए तो ऐसा होता है, इंटेंसिटी का पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। इससे चार्ज भी फ्लोइंग होगा तो चार्ज का फ्लोइंग इधर होगा, चार्ज फ्लोइंग इधर होगा। ये लो इंटेंसिटी है, ये हाई मींस लो वोल्ट है, इधर मींस जीरो मान लो, इधर भी वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लोइंग इधर से इधर होगा। आगे देखा जाए तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन का इसके अंदर फ्लोइंग होता है, अगर इससे पहले देखा जाए तो बहुत स्पीड से होता है, 10^5 मीटर प्रति सेकंड फ्लोइंग होता है। इस सब हम इससे आगे देखते हैं, ए बराबर ये आ गया था इलेक्ट्रॉन्स ई, इसके अंदर रेंडमली इलेक्ट्रॉन्स रनिंग करते हैं, रेंडमली करते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो इस रेंडमली मोशन करते हैं ये सब जो इसके अंदर किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो रेंडमली मोशन करते हैं। रेंडमली मोशन अगर देखा जाए इसका वेलोसिटी तो μ1, इसका वेलोसिटी देखिए किधर भी रेंडमली किधर भी मोशन कर सकता है, V2 = V3 इसको कर दीजिए और कर दिए, इसी प्रकार रेंडमली कोई भी इलेक्ट्रॉन किधर भी रनिंग मोशन कर सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी साइड मोशन कर सकता है किसी भी कंडक्टर वायर में, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कोई इधर करेगा कोई इधर करेगा कोई इधर करेगा कोई इधर करेगा, रेंडमली मोशन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर करते हैं। जिसका हम लोग वेलोसिटी μ1 जो है थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी होता है, थर्मल वेलोसिटी मार्कर नहीं चल रहा है, इसमें इंक डालना पड़ेगा, थोड़ा इंक डालना पड़ेगा। थर्मल वेलोसिटी जो बता रहे थे इंक खत्म हो गया था, थर्मल हेलो सिटी म्यू से सूचित किया जाता है इसको, म्यू वन से इसको सूचित करते हैं यहाँ पास थर्मल वेलोसिटी को। देखिए किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर अगर देखा जाए ना तो एवरेज जो होता है वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का जीरो आएगा, एवरेज वेलोसिटी अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन का तो जीरो आएगा। ये हो गया और इससे हम लोग तो समझ गए यहाँ पास रेंडमली मोशन इलेक्ट्रॉन्स करते हैं जिसका μ1 μ2 से सूचित किया जाता है। और इसमें एक और पॉइंट है, अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं इसका जो टाइम जो होता है इंटरवल टू सक्सेसिव पॉइंट के अंदर, अगर देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन है तो रेंडमली मोशन तो करवे करते हैं, रेंडमली मोशन के दौरान एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो जो कोलाइड करने में जो यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल किया जो ट्रेवल करने में इसको टाइम लगता है उसको टाउ बोलते हैं, टाउ से सूचित किया जाता है। टाउ मीन्स कहा जाए यहाँ पास रिलैक्सेसिव टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव पॉइंट, T1 इसको बोल देते हैं, यहां से यहां टकराएगा इसको टाउ टू, यहां से यहां टकराएगा जो मैंने टू सक्सेसिव पॉइंट के बीच टकराने में जो टाइम होता है मीन्स जो टाइम इंटरवल होता है उसको टाउ से सूचित किया जाता है, टाउ थ्री
अब इससे लोग आगे देखेंगे, हमको पहुंचना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पास। ये सब टर्म को हम इसीलिए समझ रहे थे क्योंकि ये सब टर्म जब समझ लेंगे ना तभी वहां पर जाके हमको कुछ समझ में आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको भीडी से सूचित किया जाता है, भीटी इसको भीडी से सूचित करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मींस अगर कहा जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो एक्चुअली में किसी भी कंडक्टर है, वायर है, भी वोल्ट से अगर इसको जोड़ दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगता है तो करंट भी फ्लो करने लगता है इसको वही डायरेक्शन में। तो जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है मीन्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का भी डायरेक्शन इधर होता है तो करंट का डायरेक्शन इसको अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है, जो वेलोसिटी होता है, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। इसके बारे में देखेंगे, फोर्स बराबर यहाँ से पढ़ लिए तो देखिये एफ बराबर हम देखें कि इन साइड जो होता है इंटेंसिटी नॉट इक्वल टू जीरो होता है, इस नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो इसके अंदर इंटेंसिटी है तो कुछ फोर्स लगेगा और फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो फोर्स जो लगा QE तो QE यहाँ बस फाइंड किए एफ बराबर क्यू जो है इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी E और देखेंगे एफ बराबर एम ए और QE की जगह हम क्या लिखेंगे QE की जगह E लिखेंगे तो क्यू जगह यहाँ बस E लिख देते हैं E की जगह ई लिखेंगे। अब यहां से देखा जाए एक्सेलरेशन ई बाय एम एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वेलोसिटी से तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा और टाइम भी कुछ इंटरवल लिया है जो टाउ। और देखा जाए एक्सेलरेशन बराबर ई इलेक्ट्रॉन ई इंटेंसिटी और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम जो यहां पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अपना वेलोसिटी ले लेकर तो इलेक्ट्रॉन्स अपना वेलोसिटी ले लेकर ये इसका म्यू वन जो मतलब यू वन जो मान लीजिए यू थ्री यहाँ पास यू ही ले लेते हैं चलिए ना और यू फोर यहाँ पास अपना अपना लेके सब घूम रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी लेकर अपना घूम रहे हैं सब। अगर देखा जाए यहाँ पास तो वी वन के लिए अगर चलेंगे तो यू वन प्लस एक्सेलरेशन तो सबका सेम हो गया ए। अब यहाँ पास टू सक्सेसिव पॉइंट जो मीन्स कहा जाए ये वन इलेक्ट्रॉन यहाँ है इलेक्ट्रॉन यहाँ है ये अपना वेलोसिटी लेकर मूव कर रहा है तो इसके बीच में एक कोलाइड होगा। अगर देखा जाए अपना वेलोसिटी लेकर मूव कर रहा है इसके बीच में टकराव के दौरान कुछ टाइम इंटरवल होंगे जिसे टाउ कहेंगे इसे टाउ से सूचित किया जाता है टाउ कहेंगे। तो यहाँ पास देखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अगर देखते हैं तो वी वन इक्वल टू वी बराबर यू प्लस एटी तो इसका इनिशियल वेलोसिटी माने यू वन है यू वन ले लिया यहाँ पास। अगर एक्सेलरेशन सबका सेम होगा और टाइम इंटरवल क्या टाउ यहाँ पास टाउ लिखेंगे टाउ वन। अगर वी टू के लिए देखा जाए तो यू टू प्लस ए और टाउ टाउ टू वी थ्री यहाँ पर देखा जाए तो यू थ्री ए और टाउ थ्री
टाउ थ्री। इसी प्रकार देखा जाए तो वी एन म्यू एन प्लस ए और टाउ एन आएगा। अब इसका एवरेज हम लोग फाइंड कर देखें। एक्चुअली में वी नेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लोइंग कर रहे हैं, इधर निगेटिव कुछ इधर निगेटिव चार्ज है इधर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करेंगे और करंट जो फ्लो करेगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अब यहाँ पास हम लोग देखेंगे कि वी नेट क्या है इलेक्ट्रॉन्स का, वी नेट टोटल इलेक्ट्रॉन्स का वी नेट क्या है। तो वी नेट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज जो लेंगे इस सब एवरेज हम यहाँ बस लेंगे बाय एन ए। इसका अगर देखा जाए तो यहाँ बस करेंगे टाउ वन प्लस ए टाउ टू प्लस ए टाउ थ्री ए इंटू टाउ वन, सबको जोड़े हैं इस सबको ऐड किए हैं, पूरा जो एन है इस टर्म को जोड़कर वी डी निकालना है, बस वी डी एवरेज लेंगे और इसका भी हम लोग एवरेज लेंगे। अगर इसका हम लोग देखें एक्सेलरेशन सम में कॉमन आएगा, एक्सेलरेशन सम में कॉमन आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन सम में कॉमन आएगा, एक्सेलरेशन को यहाँ पर हम कॉमन कर लेते हैं, इसका भी एवरेज लेंगे। तो अगर एक्सेलरेशन का कॉमन कर लिया जाए इसमें देखा जाए तो टी वन मीन्स टाउ टू और टाउ थ्री टाउ फोर अपॉन एन अपॉन एन। तो ये जो आएगा इस टर्म को अगर देखा जाए तो पूरा एवरेज एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पास देखिए एवरेज जो बताए थे एवरेज जीरो आता है, तो इस पूरा टर्म्स को क्या करेंगे जीरो करेंगे। वीडी इक्वल टू वीडी इक्वल टू पूरा टर्म को यहां पास जीरो लिखे असल ऐसा कॉमन टाउ एवरेज टोटल का अगर देखा जाए टाउ यहां पास एवरेज एक्सेलरेशन ए बराबर यहाँ पास मिट गया, देखिए यहाँ ए हम फाइंड किए थे यहाँ से ए बराबर ई ई बाय एम, इस चीज को हम फाइंड किए थे ए बराबर यहाँ पास हम पुट करेंगे ई ई बाय एम इनटू टाउ, ए बराबर ई इलेक्ट्रॉन ई इंटेंसिटी और ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एवरेज टाउ एवरेज टाइम, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। किसी भी कंडक्टर के वायर कंडक्टर वायर के अंदर अगर वोल्ट बैटरी से अगर कनेक्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, जो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं तो जो उसका वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेगा तो किस वेलोसिटी से मूव करेगा तो जो उस वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है और यही इसका फॉर्मूला यहाँ बस आया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी से इसको सूचित किया जाता है ई इंटू ई बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाइम टाउ रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव पॉइंट। अब आगे हम लोग देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तो मीन्स हो गया, इसका डिफिनेशन थोड़ा लिख लेते हैं।
इसको लिख लेंगे। जो हम लोग फाइंड किए थे दो चीज ए बराबर फाइंड किए थे E/M और VD जो फाइंड किए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग फाइंड किए थे E/M और टाउ एवरेज दो चीज फाइंड किए थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है कितने लिख लेते हैं ए वी इफ वी कनेक्ट एनी वोल्ट ऑफ बैटरी विथ कंडक्टर वायर then electrons moves opposite side of E net intensity net. If we connect any V volt of battery with conductor wire, then electron moves opposite side of E net. It's called drift velocity. चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट आई होता है जो हम लोग जानते हैं Q/T द रेट ऑफ फ्लोइंग द चार्ज कॉल्ड करंट। इसका और इसका हम लोग रिलेशन देखेंगे, इसका रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन बिटवीन इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट
एंड करंट। अगर किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर अगर देखा जाए तो किसी भी कंडक्टर वायर, यहाँ पर इसको बना लेते हैं कंडक्टर वायर, यहाँ पर बना लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वोल्ट इसको बैटरी से जोड़ दिए, पोटेंशियल डिफरेंस पर आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लोइंग इधर होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लोइंग इधर होगा तो करंट का फ्लोइंग इस डायरेक्शन में होगा, करंट का फ्लोइंग इस डायरेक्शन में होगा। टर्मिनल पॉजिटिव तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर देखा जाए तो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसको ए से सूचित किया जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है बाहर वायर है, जो बाहर का क्षेत्र है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर तो इसको अगर थोड़ा सा काट लिया जाए, इस चीज को अगर थोड़ा सा काट लिया जाए, काट के देखा जाए इसको, थोड़ा सा काट लिया जाए इसको, हम काट लिया, अगर इस एरिया को अगर काट लिया जाए तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे इस वैल्यू में, अगर इस मार्कर का थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स को एरिया को काट लिया जाए तो इसको काट लिया जाए तो अगर देखा जाए इसके वैल्यू में, इसके वैल्यू में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसी को बोलते हैं एन से सूचित करते हैं इसको, एन से, एन से सूचित करेंगे, मीन्स एन इज डिनोटेड हेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट एरिया एन, इसको एन से डिनोट करेंगे, एन से इसको डिनोट करेंगे। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो जाने रहे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जाने की इलेक्ट्रॉन्स माइनस ई होता है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका और स्पष्ट हम कर देते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया है, नेगेटिव नेगेटिव भी वोल्ट से इसको जोड़ा गया तो ये नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स 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 ये सब इलेक्ट्रॉन्स, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर देखा जाए तो यहां से यहां भी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी वेलोसिटी अगर मूव कर रहे हैं इस साइड तो डिप वेलोसिटी भी डी इनटू डीटी किया जाए, मीन्स टाउ मीन्स टाइम, टी मीन्स टाउ लेते हैं, चलिए यहां पर कर दें टाउ लेते हैं, तो इसका हम लोग डिस्टेंस हमको पता चल गया कि डी बराबर VT होता ना है, V बराबर VT मीन्स अगर देखा जाए तो V बराबर डी बाई टी मतलब डिस्टेंस मीन्स डिस्प्लेसमेंट S T होता है, तो S को हम इधर लेंगे और V T करेंगे मीन्स डिस्टेंस दिया, डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस ही है, तो अगर यहां से यहां तक यहां तक यहां से यहां तक का लेंथ देखा जाए तो V वेलोसिटी से बढ़ रहा है और टाइम जो है इसका टी, टाइम टी टोटल टाइम देखा जाए तो मीन्स टाइम एवरेज टाउ हो गया, अच्छे से लिख लेते हैं ये टाउ हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अगर इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स को अगर देखा जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग कर रहे हैं इस वायर के अंदर, कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग कर रहे हैं इस वायर के अंदर तो क्यू बराबर इसका वैल्यूम कितना है, तो उसका वैल्यूम फाइंड करेंगे, वैल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है इसको देखेंगे, तो इसको देखा जाए तो एरिया कितना है ए, और एरिया इनटू डिस्टेंस का एरिया ए है, एरिया इसका ए है, अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी हमको पता चल जाएगा एरिया इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है
देखिए तो VT और यहाँ पास टाउ एवरेज है, टाउ एवरेज है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो हम लोग फाइंड किए एन, पर यूनिट वॉल्यूम लाइक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन एन क्रॉस ये कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो क्यू बराबर नेट क्यू के अंदर वी टी टाउ एवरेज ए एन ई आ जाएगा, एन ई आ जाएगा। अब इसको देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि करंट, करंट बराबर क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, तो क्यू बराबर टोटल क्यू कितना है भी, टोटल क्यू भी डी भी डी टाउ ए एन ई एन ई अपॉन टी मीन्स टी यहां पे से भी टाउ आएगा, तो I इज इक्वल टू अगर देखते हैं तो I इज इक्वल टाउ से टाउ यहां मर जाएगा वी टी ए एन ई, और इसको अगर बढ़ा कर देखा जाए तो I करंट जो आएगा वी डी E को यहाँ पास लाते हैं, थोड़ा याद करने के लिए इजी होगा, यहाँ पास प्रूफ हो गया यही फॉर्मूला आएगा आई, और अगर रिलेशन देखा जाए करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो ये आ गया यहाँ पास आ गया, इसको रिमेमराइज करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए यहाँ पास थोड़ा सा हम लोग देखते हैं उसे जानते हैं बी डी ई इंटू एन और ए, देखिए बिना यहाँ पास बन गए बी ई एन ए रिलेशन बिटवीन द करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू बिना, मोबाइल करने में यहाँ पास इजी होगा थोड़ा सा इसको लेकिन हिंदी में बिना, अगर आई इज इक्वल टू